दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि आज के डेट में अगर हमें एक बजट पीसी बिल्ड करना हो जो आज के हिसाब से सस्ता भी हो लेकिन उसका परफॉर्मेंस बेहतर हो, भले ही बजट में हो, भले ही थोड़ा पुराना हो, लेकिन उसका परफॉर्मेंस आज के सभी सॉफ्टवेयर्स को चलाने के लिए, आज के लगभग सभी गेम्स को चलाने के लिए, सभी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स को चलाने के लिए वो कैपेबल हो, तो ऐसा कौन सा पीसी बिल्ड हो सकता है जिससे नीचे अब हम नहीं सोच सकते, उसी पीसी के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। हम लोग ऐसा पीसी बिल्ड करेंगे जो बजट में तो होगा ही आज के हिसाब से, क्योंकि उसके नीचे अब सोचना सही नहीं होगा, लेकिन वो बिल्कुल भी कैपेबल होगा, जो आज के सभी वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर हो गए या फिर गेमिंग हो गए, सभी में वो जो है बिल्कुल भी कंफर्टेबली हैंडल कर सकेगा। समझने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, क्योंकि मैं इस टाइप की तमाम वीडियोस लेकर के आता रहता हूं जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। आइए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला जो कंपोनेंट होता है वो होता है प्रोसेसर, उसी के अकॉर्डिंग हमें बाकी सारे के सारे जो है कंपोनेंट्स जो होते हैं हमें सेलेक्ट करना होता है। तो हम इसके अंदर चूंकि बजट का ध्यान रख रहे हैं तो इसके अंदर हम लोग यूज करने वाले हैं इंटेल का कोर i5 का 10th जनरेशन, यानी कोर i5 10400 यूज करने वाले हैं, 10400F और विदाउट F। पहले थोड़ा सा वर्किंग, ये दोनों ही प्रोसेसर जो है आप कोई भी लगा सकते हैं, बाकी सारी चीजें बिल्कुल भी सेम रहने वाली हैं, बस थोड़ा सा आपको अपने वर्किंग का ध्यान देना होगा। थोड़ा सा ये पुराना है लेकिन 10th जनरेशन आज भी हमारे यहाँ यूज होता है, मेरा लड़का यूज करता है, हर प्रकार की गेम में वो इंजॉय करता है। यहां पर पैसा बढ़ाने से बेहतर होगा कि इस पीसी को बिल्ड कीजिए और अगर आपके पास बजट है तो एक अच्छा सा ग्राफिक कार्ड लगा दीजिए, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको मिलने लग जाएगा। इसीलिए यहां पर हम लोग जो है बजट को डाउन करके चलेंगे। तो अगर आपका हैवी वर्क में नॉर्मल सारे काम जो होने हैं वो होने ही हैं, साथ में अगर आपको वीडियो गेम करना है, गेमिंग ज्यादा से ज्यादा करना है, तो आपको F सीरीज के साथ जाना चाहिए, यानी कि i5-10400F वाला प्रोसेसर यूज करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सस्ता मिलेगा। और गेमिंग हैवी करना है तो ग्राफिक कार्ड आपको लगाना ही होगा। तो इसके अंदर IGPU नहीं होता है, यानी कि डिस्प्ले लाने के लिए आपको ग्राफिक कार्ड लगाना ही पड़ेगा। तो अगर बढ़िया गेमिंग पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो आप F सीरीज वाला ले लीजिए, ये 9 से 10 हजार के बीच में हमेशा जो है वेरी कर रहा होता है प्रोसेसर, और बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। अगर कहीं सेकेंड हैंड आपको मिल जाए ये प्रोसेसर तो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि बहुत अच्छा इसका परफॉर्मेंस होता है। 6 कोर 12 थ्रेड्स का प्रोसेसर है, मल्टीटास्किंग में भी बहुत ही मजा देता है। 12 MB कैच के साथ जो फ्रीक्वेंसीज की मिलती है 2.9 GHz बेस में और बूस्ट जो है 4.3 GHz तक जाती है, इसीलिए परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन दे देता है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें वीडियो एडिटिंग करना है तो ये जो F सीरीज के साथ में अगर आप जो है वीडियो एडिटिंग करेंगे, अगर बड़ी बड़ी वीडियो एडिटिंग करना है, 4K वीडियो एडिटिंग करना है, तो एक अच्छा सा ग्राफिक कार्ड लगा करके जो है आप इस पर वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जैसे मैरिज वीडियो एडिटिंग अगर आपको करना है तो आप ADS यूज करेंगे। ADS के अंदर क्या प्रॉब्लम होती है कि विदाउट IGPU का फास्ट रेंडरिंग उसके अंदर एक्टिवेट नहीं होती है, इसलिए प्रोसेसर आपको IGPU वाला लेना पड़ता है। तो इसलिए अगर आपको ADS चलाना है वीडियो एडिटिंग के लिए तो आपको 10400 ही लेना पड़ेगा विदाउट F। लेकिन अगर ADS नहीं चलाना है, बाकी सारे सॉफ्टवेयर वीडियो एडिटिंग के चलाने हैं, वीडियो गेमिंग करना है, तो आपको 10400F आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि इसके अंदर IGPU नहीं है, आपको ग्राफिक कार्ड लगाना ही है, तो ये सस्ता पड़ेगा, ये 9 से 10 हजार के बीच में पड़ेगा। और वहीं पर विदाउट F लेंगे तो करीब 12-12.5 हजार का पड़ेगा, यहां से 2 से 3 हजार रुपए का वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, अभी हमको ग्राफिक कार्ड नहीं लगाना है, 15 से 20 हजार 30 हजार हमको बचाना है, अभी हमको किसी तरह नॉर्मल यूज करना है, आगे चल करके हम ग्राफिक कार्ड लगाएंगे, तो आप विदाउट F यानी कि i5 का 10400 आप लगा लीजिए और ग्राफिक कार्ड आप फिर कभी लगा लीजिए, क्योंकि इसके अंदर जो IGPU है वो इंटेल का UHD ग्राफिक 630 लगा हुआ है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 1.1 गीगाहर्ट्ज़ तक जाती है, जो कि एक अच्छा परफॉर्मेंस दे देता है। आप इस पर भी नॉर्मल गेमिंग कर सकते हैं, बाकी सारे काम कर सकते हैं। नॉर्मल छोटी मोटी वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं फुल HD में, अगर आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, YouTube वीडियो एडिट करना चाहते हैं, तो विदाउट ग्राफिक कार्ड भी कर पाएंगे, बस थोड़ा सा रेंडरिंग में आपको टाइम देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से प्रोसेसर इन दोनों में से आप सेलेक्ट कर लेंगे। ग्राफिक कार्ड लगाना ही है किसी भी हाल में, और वीडियो एडिटिंग मैरिज वीडियो यानी कि ADS नहीं चलाना है तो आप जो है आराम से 10400F ले लीजिए। अगर ADS चलाना चाहते हैं आगे चल करके मैरिज वीडियो, या फिर अगर आप चाहते हैं कि नहीं अभी हमको ग्राफिक कार्ड नहीं लगाना है, तो 10400 ले लीजिए।
बिल्कुल क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। तो इसके लिए अगर आपको ग्राफिक कार्ड नहीं लगाना है, नॉर्मल वर्क करना है सारे के सारे, बजट में अगर मदरबोर्ड चाहिए तो MSI का प्रो H410M-B ले सकते हैं। ये जिस भी बजट में है करीब 5-6 हजार रुपए के आसपास में आ जाता है। अभी 6600 रुपए अमेजोन पर दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा बढ़ा हुआ है। सही प्राइस मिले तो उस वक्त आप इसको बाय कर सकते हैं। इसके अंदर दो रैम मिल जाएगा, M.2 NVMe का स्लॉट भी मिल जाता है। कुल मिला जुला करके जितने में है ठीक ठाक है, बाद में ग्राफिक कार्ड भी लगा लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन VRM थोड़ा सा हल्का इसमें पड़ जाता है। तो इसीलिए अगर बजट कम है, अगर ग्राफिक कार्ड वगैरह नहीं लगाना है, नॉर्मल यूज करना है, तो ये मदरबोर्ड आप बाय कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मदरबोर्ड है, आप ASUS का प्राइम H510M भी बाय कर सकते हैं। इसका प्राइस थोड़ा सा उससे 1000 रुपए ज्यादा हो जाता है, 6.5-7 हजार रुपए के बीच में आ जाता है। ये थोड़ा सा उससे अपग्रेड वर्जन आपको मिल जाता है और इसके अंदर भी जो है आपको M.2 NVMe का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा पिछले वाले से थोड़ा सा और पावरफुल बन जाता है क्योंकि इसका चिपसेट भी थोड़ा सा 510M है, थोड़ा सा उससे प्लस हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा अगर बजट का उतना इशू नहीं है तो मैं चाहूंगा कि आप ये गीगाबाइट का B560M ले लीजिए। ये वाईफाई के साथ में है, बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहेंगे, जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ में मिलेगा और इसके ऊपर जो है आपको 2 M.2 NVMe SSD का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट हो जाता है कि आप एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी बना सकते हैं और सारा ही मदरबोर्ड पे होगा तो इसका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेगा। साथ में इसके अंदर आपको वाईफाई भी मिल जाता है, उसके लिए भी आपको अलग से डोंगल बाय करने की जरूरत नहीं है। और इस पर जो है आप एक डीपी पोर्ट के साथ और एक HDMI के साथ में जो है दो मॉनिटर कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से इसका जो VRM सेक्शन है, जो B560M है, बहुत ही पावरफुल है। आप इस पर आगे चल करके अच्छा सा अच्छा ग्राफिक कार्ड भी लगा लेंगे, बिल्कुल भी आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। उसके बाद अगर आप F सीरीज का बाय किए हुए हैं, F सीरीज का अगर प्रोसेसर बाय कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो है आपको ग्राफिक कार्ड बाय करना ही होगा। उसके लिए अगर आपको गेमिंग करना है, गेमिंग प्रेफरेंस ज्यादा है, तो RX का अगर 15,000 के आसपास का बजट है तो RX 6500 XT बाय कर लीजिए, मजा आ जाने वाला है आपको। जिस बजट रेंज के अंदर है बहुत अच्छा आपको गेमिंग करा देगा। इससे थोड़ा सा और ऊपर जाना चाहते हैं, 25-30 हजार खर्च करना चाहते हैं, तो RX का ही 6600 बाय कर लीजिएगा ग्राफिक कार्ड, बहुत अच्छा आपके लिए परफॉर्मेंस देगा। लेकिन गेमिंग के साथ में आप चाहते हैं कि आपको वीडियो एडिटिंग में परफॉर्मेंस बेहतर मिले, रेंडरिंग में परफॉर्मेंस बेहतर मिले, तो उसके लिए RTX सीरीज में चले जाइए। RTX का 3050 अगर 25-30 हजार का बजट है तो 3050 8GB का ले लीजिए, अन्यथा उससे ऊपर जाना चाहते हैं, 40 के आसपास जाना चाहते हैं, तो RTX का 3060 ले लीजिए। इसमें तो मजा ही आ जाता है, 12GB के साथ में बहुत ही बेहतरीन गेमिंग में परफॉर्मेंस देता है, साथ में वीडियो एडिटिंग रेंडरिंग में तो पूछना ही नहीं है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इसका आपको देखने को मिल जाता है। इस तरीके से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा रैम की अगर हम बात करें, तो अगर आप ग्राफिक कार्ड नहीं लगा रहे हैं तो आप कम से कम इसके अंदर 16GB आप लगाएं, 16GB सिंगल स्टिक भी लगा सकते हैं क्योंकि इंटेल का प्रोसेसर है, तो इसके अंदर ड्यूल चैनल उतना जरूरी नहीं है। बाकी अगर आप लगा लेते हैं 8-8GB की दो स्टिक, थोड़ी सी महंगी जरूर पड़ेगी, लेकिन उससे परफॉर्मेंस जरूर थोड़ा सा आपको इंक्रीज होकर के मिलेगा, क्योंकि IGPU के साथ अगर आप यूज कर रहे हैं तो 16GB जरूर यूज कीजिए, क्योंकि वहां ग्राफिक में भी यूज होता है और जो है आपका बाकी काम के लिए भी यूज होता है, इसलिए 16GB आज की एक थोड़ी सी कॉमन रिक्वायरमेंट हो गई है। 8GB से भी काम चल जाएगा, अगर बजट कम है तो 8GB भी लगा सकते हैं, लेकिन उतना बजट का इशू नहीं है तो 16GB लगाइए, आपके लिए बेहतर हो सकता है। और सभी प्रकार का ड्यूल चैनल, सिंगल चैनल 16GB, सिंगल चैनल 8GB, ड्यूल चैनल 16GB, सभी का मैंने लिंक दे रखा है। जिसका बजट सही आपके, जिस वक्त बाय कर रहे हैं, जिसका बजट सही हो उसको बाय कर लीजिए। मेरे हिसाब से जो परफेक्ट चल रहा है, जो सही है, उसका मैंने लिंक दे रखा है। उसके बाद आते हैं स्टोरेज के लिए। स्टोरेज के लिए M.2 NVMe आपको लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें जो है ऑपरेटिंग सिस्टम आपको रखना बेहद जरूरी है, ताकि बेहतर परफॉर्मेंस के साथ उससे आप जो है वर्क कर सकें, उसका परफॉर्मेंस बेहतर आप निकाल सकें। उसके लिए कम से कम WD का ब्लू SN570 आपको लेना होगा, 256GB, 500GB, 512GB, इस तरीके का सभी का लिंक मैंने दिया हुआ है। एक बार कॉपी पेन उठाइए और इसको ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए। थोड़ा सा और ऊपर अगर आपको
जाना है तो WD में ब्लैक ले सकते हैं। SN570 Gen 4 की सबसे सस्ती SSD है, उसके बाद WD ब्लैक के अंदर ही SN850 ये महंगी SSD है, अगर बहुत महंगा लेना है तो ये महंगी SSDयां हैं, लेकिन कम से कम आपको जो है WD ब्लू SN570 बाय करना चाहिए, इससे परफॉर्मेंस आपको बहुत ही बेहतरीन मिलेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं कैबिनेट्स पर। कैबिनेट्स अगर आपका बजट टाइट है, ज्यादा हैवी वर्क नहीं करना है, नॉर्मल वर्क के लिए ही ले रहे हैं, अगर ग्राफिक कार्ड वगैरह नहीं लगाना है, तो फिंगर्स ब्रांड का बहुत ही अच्छा, काफी दिनों से मैं इसको प्रमोट कर रहा हूं, बहुत ही अच्छा ये कैबिनेट्स हैं। इनमें से बहुत सारे मॉडल हैं, लिंक मैंने दिया हुआ, उस पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो बहुत सारे मॉडल्स आपको दिखेगा, RGB में भी दिखेगा, सिंपल में भी दिखेगा, जो आपको सही लगे वो बाय कर सकते हैं। अन्यथा अगर बजट का इशू नहीं है और गेमिंग PC बिल्ड कर रहे हैं और एक बेहतर परफॉर्मेंस फ्यूचर प्रूफ बनाना चाहते हैं, आगे चल करके बड़ी से बड़ी आप ग्राफिक कार्ड भी लगाना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा कि अलग से आप जो है गेमिंग कैबिनेट आप बाय कर लीजिए, उसके साथ में अलग से जो है 80+ ब्रॉन्ज का जो है आप पावर सप्लाई बाय कर लीजिए, 2500 से 3000, 3500 के अलग अलग वेरिएंट में आपको नजर आएंगे, सभी का मैंने लिंक दे रखा है, वहां से आप बाय कर सकते हैं। इसका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होता है, पावर सप्लाई अच्छा रखेंगे तो पूरा PC का परफॉर्मेंस इनहेंस होता है और उसकी लाइफ बढ़ती है। अगर पावर सप्लाई सही नहीं है तो पूरी PC का जो लाइफ है उसको कम कर देता है। यहां तक जो है लेकर के अगर आप ये PC बिल्ड करते हैं तो एक बहुत ही अच्छा PC बिल्ड होगा, जिस पर आप जो है हर तरीके का काम कर सकते हैं। इससे नीचे, इस प्रोसेसर से यानी 10th जनरेशन से नीचे जाना आज के डेट के हिसाब से सही नहीं है। आज के दौर में जितने भी सारे सॉफ्टवेयर, जितने भी सारे एडिटिंग सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, गेम्स आ रहे हैं, सारे के सारे जो है इस पे आराम से चलेंगे और आप इनका एंजॉय कर सकते हैं। तो यहां तक आपने बिल्ड कर लिया, उसके बाद कीबोर्ड माउस चाहिए तो वायर्ड का भी और वायरलेस का भी मैंने कई सारे जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता है मैंने उसका लिंक दिया हुआ है। उसके साथ में अगर आपको मॉनिटर्स चाहिए तो 27 इंच कम से कम एक बेहतर साइज होता है, हमारे पास सारे के सारे 27 इंच है, सभी का आपको रिव्यू भी चैनल पर देखने को मिल जाएगा, चाहे तो देख सकते हैं। बजट कम है, 22 इंच चाहिए, 10,000 से कम का अगर चाहिए तो IPS पैनल के साथ ही लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, उसका भी मैंने लिंक दिया हुआ है, वो सारा अपने हिसाब से आप बाय कर लीजिए। अगर इन सब के साथ में कंप्लीट PC बिल्ड करते हैं तो चूंकि ग्राफिक कार्ड लगाते हैं नहीं लगाते हैं उसके अंदर प्राइस का बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होगा, नॉर्मल PC बिल्ड करते हैं तो 30 से 40,000 के बीच में जो है ये PC बिल्ड हो जाएगा, जिस पे आप सारे ही काम कर सकते हैं। इससे नीचे आप जाने की ना सोचें, क्योंकि आज के रेट में ठीक नहीं है नए PC के लिए खास करके। तो दोस्तों, ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि मैं इस तरह की तमाम वीडियोज लेकर के आता रहता हूं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।